हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, आज जिस शेयर की हम बात करने जा रहे हैं वो है रिलायंस पावर। फ्रेंड्स, इस शेयर का जो 52 वीक हाई है वो है 25 रुपीज़, 52 वीक लो 11 रुपीज़, और ये शेयर इस वक्त 16 रुपये 90 पैसे के आसपास बाइंग के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस शेयर में 30% से ज़्यादा का डाउनफॉल है और इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, हम पहले इसके कुछ तथ्यों को जानते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि आपको ये महसूस हो कि वाकई इसमें एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, ये शेयर ना ASM लिस्ट में है ना GSM लिस्ट में है। बैक ट्रैक देखेंगे आप लो और हाई का, तो इन्वेस्टर्स को इसने 11 रुपये से 25 रुपये जा कर के 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न विद इन ईयर दिया। और अगर पिछले 2 साल का ट्रैक देखेंगे तो 4 रुपये के लेवल से ये आज भी 16 रुपये के लेवल पे है, 16 रुपये से ज़्यादा के लेवल पे, यानी कि 400% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ही दे रहा है, यानी कि 4 गुना। तो फ्रेंड्स, इस शेयर का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 9-10% से 24% हो चुका है और FIS की होल्डिंग भी बढ़ चुकी है 7-8%, DIS की होल्डिंग भी है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है और ये शेयर अभी भी अपने फेस वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। बुक वैल्यू जो इस शेयर का है वो 36 रुपीज़ से भी ज़्यादा का है और अभी भी ये 36 रुपीज़ से 50% डाउनफॉल पे है। शेयर बाइंग के लिए अवेलेबल है। फ्यूचर स्कोप है पावर सेक्टर में, कोल की डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। जो भी कंपनीज पावर जनरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, इन सबको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो नेचुरल सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने के कारण शेयर्स में भी जो इम्प्रूवमेंट है उनकी प्राइजेज में वो आना स्वाभाविक होगा और अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनीज दे पाएगी। फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप रियलाइज कर पा रहे होंगे इस बात को कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, इन सबको एनालाइज करने के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करने का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके और अपने ऑन रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी शेयर 52 वीक हाई से डाउनफॉल पे ज़रूर आता है, फिर वापस से एक फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स आते हैं, फिर कंपनी बेटर रिजल्ट्स के अपर लेवल ट्रैक्स पे जाती है, और अगर रिज़ल्ट बेहतरीन आने की जगह डाउनफॉल पे आते हैं तो शेयर डाउनफॉल में भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्कोप नज़र जब आता है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए कि जितना कि हम रिस्क ले सकें। तो फ्रेंड्स, बन रही मेरे चैनल पर मेरे साथ, अगर मेरी बात सही लग रही है तो लाइक दे दीजिए, और इतनी बातें बताने के बाद में भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, प्लीज़ आप अपने ऑन रिस्क पे ही करें, जो भी करें। मैं सिर्फ आपको अपग्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ रहती है मेरे थ्रू बताने की वो मैं आपको बताता हूँ और आपको अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के मेरे थ्रू हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मोटिवेट कीजिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ा के, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस बना करके आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।